हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे मेडिसिन रिव्यू सीरीज में आज मैं एक टैबलेट के बारे में बात करने वाला हूं। इसका जो ब्रांड नेम है वह है एल हिस्ट और इसको बनाने वाली कंपनी है एलकेम। एल हिस्ट जो कि ब्रांड नेम है उसमें है क्या? इसमें है आपका लिवोसिट्रिजिन और इसकी जो क्वांटिटी है वह है 5 mg। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इसका यूज कब करते हैं। ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग का अच्छा एग्जांपल है, नॉन सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक ड्रग इसको बोल सकते हैं। सो इसका यूज हम तब करते हैं जब आपको एलर्जी की वजह से कोई प्रॉब्लम दिख रही हो, जिसके अंतर्गत आपका छींक आना, आंख का लाल होना, नाक से पानी टपकना, बॉडी में रैशेस हो जाना, जैसे और भी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं। तो ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग कहने का क्या मतलब है, जो कि नाम समझ में आ रहा है, एल हिस्ट, एल फॉर लिवो और हिस्ट इज रिप्रेजेंटिंग हिस्टामिन, लिवो और डेक्स्ट्रो एक रोटेशन है उसके हिसाब से नाम पड़ता है। तो ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है क्या? एंटीहिस्टामिनिक ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो हिस्टामिन की एक्टिविटी या उससे होने वाले इफेक्ट को नलीफाई करने का काम करते हैं, एंटागोनाइज करने का काम करते हैं। हिस्टामिन इन्फ्लामेशन या फिर एलर्जी के लिए रिस्पॉन्स केमिकल मीडिएटर है जो मास सेल से रिलीज होता है। एग्जाम्पल के लिए कहूं कि ये मेरा मास सेल है, इस मास सेल के अंदर हिस्टामिन के ग्रैन्यूल्स रखे हुए होते हैं। जब कभी भी कोई एंटीजन या कोई एलर्जन हमारे बॉडी में एंटर करता है, ये मास सेल डीग्रैन्यूलेट हो जाता है, खुल जाता है और इसके अंदर से हिस्टामिन निकलने लगते हैं और इस हिस्टामिन आगे जा करके अपने रेस्पेक्टिव हिस्टामिन रिसेप्टर पे ब्लॉक बाइंड होते हैं। दो तरह के मेन हिस्टामिन रिसेप्टर होते हैं, H1 और H2। H2 का लेना देना इससे नहीं है, H2 पेट में एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, H1 का यहां पे काम है। H1 एसिडिटी यानी कि एसिड सीक्रेशन के रिस्पॉन्सिबल है। सो H1 जो कि निकला हुआ है, जो हिस्टामिन निकला हुआ है वो H1 पे बाइंड होगा तो एसिड के साथ साथ दिक्कतें कॉज हो जाएंगी, एलर्जी कॉज हो जाएंगी। लेकिन वो H2 पे बाइंड हुआ तो, अगर H1 पे बाइंड होता है तो एलर्जी कॉज हो जाएगी, जो मैंने आपको बताया, छींकना, आंख से पानी निकलना, नाक से भी पानी निकलना, लाल हो जाना, तो ये H1 की वजह से। तो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जो हमारे हैं लिवोसिट्रिजिन या सिट्रिजिन, ये इसी H1 हिस्टामिन को ब्लॉक करते हैं, इसीलिए इनको बोला गया है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग और ये हमारे बॉडी में होने वाले इसी एलर्जेंस को कम करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक चीज छोटा सा मैं आपको और बता देता हूं। जब कभी भी हम बात करते हैं किसी भी ड्रग के एक्शन की या उस ड्रग के लेने से पहले जो प्रॉब्लम हो रही है उसके पैथोफिजियोलॉजी की, तो क्या कहता है, ये कोई सिग्नल मॉलिक्यूल है, केमिकल मॉलिक्यूल है, ये रिसेप्टर है। अगर वो आकर के अपने रिसेप्टर पर बाइंड होता है तब ड्रग रिसेप्टर, सिग्नल रिसेप्टर, केमिकल रिसेप्टर एक बाइंडिंग बनती है, कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर वो अपना एक्शन देता है। जैसे कि भी बताया मैंने, हिस्टामिन आया, H1 पे बाइंड किया, एलर्जन रिस्पॉन्स आ गया, ये उनके बाइंड होने से ही मिला, नहीं बाइंड होता तो नहीं मिलता। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट था ये कि एंटीहिस्टामिनिक ड्रग दोगे या एंटागोनिस्ट दोगे तो वो इसके आकर के यहाँ पे बाइंड होने को रोक देते हैं। जब वो बाइंड ही नहीं होगा तो काम कैसे होगा? जैसे ताला और चाबी का प्रिंसिपल, ताला और चाबी अगर एक साथ आ गए तो वो काम करेगा। अगर आपने ताले के उस छेद पे जहां पे चाबी लगती है इसको सीमेंट से ब्लॉक कर दिया तो वो चाबी होते भी कोई काम का नहीं है। इसीलिए हमारा एंटीहिस्टामिनिक ड्रग उस हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है जिससे एलर्जेंस कि कारण से निकला हुआ हिस्टामिन अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पर बाइंड नहीं हो पाता और उनका जो एलर्जिक रिस्पॉन्स है वो देखने को नहीं मिलता। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।